वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं। और मैं इस वीडियो में दो तरीके बताने वाला हूँ। बच्चों, आज मैं 1 बिलियन को पढ़ने लिखने का दो तरीके बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में मैं दो ट्रिक बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए, जो स्क्रीन में दिख रही है आपको, ये फर्स्ट ट्रिक है। ओके, 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10,000 लाख। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लाख मीन्स 1 लाख। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 × 1 लाख। 10,000 × 1 लाख, 1 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 5 डिजिट होना चाहिए। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लाख मीन्स 1 के बाद 5 डिजिट, ये आप लोग सोच रहे हैं कहाँ से आ गया, तो आप लोग पहले पिछले वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कितना डिजिट हो गया? 4 डिजिट। इधर 5 डिजिट। ठीक है, टोटल कितना डिजिट हो गया? 10 डिजिट 1 के बाद, सॉरी, हाँ टोटल 10 डिजिट। 1 के बाद कितना डिजिट? 9 डिजिट। 4 हो गया, इधर 5 हो गया, 9 हो गया, टोटल 10 डिजिट। 1 के बाद 9 डिजिट मीन्स 1 बिलियन। चलिए सेकंड नंबर ट्रिक देखते हैं आगे। अब देखिए, जो स्क्रीन में दिख रही है आपको, वो ट्रिक नंबर 2 है। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 के बाद 9 डिजिट दिया है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3, टोटल कितना डिजिट? 9 डिजिट। अब देखिए, ये 1 के बाद 3 डिजिट मीन्स 1000 ना, 1000 हो गया। ये भी 3 डिजिट, तो 1000 हो गया। ये भी 3 डिजिट, 1000 हो गया। ओके, अब ये 1 है, ये 1 आ जाता है, ठीक है, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब 10 को, ये 10 के पावर में 3 है, 10 का पावर में 3 मीन्स 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1000 बन जाता है। अब ऐसे ही सेम है, देखिए हो गया। अब ये 1 1 यहाँ उतर गया। उसके बाद देखिए, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता? 9 हो जाता है, क्योंकि ये पावर में 3 है ना, तो तीनों का नंबर देखिए 10 10 है, और पावर में कुछ भी नंबर होगा तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 का पावर में 9 हो गया। अब 3 8 3 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। ओके, अब इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 3,024,382,008। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे लिखेंगे? 3 के बाद देखिए 9 डिजिट है,
9 डिजिट है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, 3 बिलियन, उसके बाद 0 है, 0 के बाद क्या है, 24, 24 के बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, तब क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, 24 मिलियन। उसके बाद 382, 382,008। बच्चों ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यहाँ हम लोग लाख नहीं लिखेंगे। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये नंबर मीन्स 3, 3 के बाद 5 डिजिट है, बट यहाँ 3 लाख नहीं लिखना है, बस इसी को ध्यान देना है। 3 के बाद कोमा है, तो ये 3, 3 के बाद कोमा है, इसीलिए साथ में क्या, 3 के साथ जोड़ा हुआ है बिलियन। उसके बाद 24 के बाद कोमा है, 24 हो गया, और क्या हो गया, साथ में क्या जोड़ा हुआ है, मिलियन, ठीक है। उसके बाद 82 के बाद कोमा है, देखिएगा 82 के बाद साथ में कुछ जुड़ा रहता है, देखिए 82 जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4,035,432,104, 4 के बाद 9 डिजिट है, इसीलिए 4 बिलियन लिखेंगे। उसके बाद 0 है, 0 का तो कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद 3,5 है, 3,5 के बाद 6 डिजिट है, इसीलिए 35 मिलियन। उसके बाद 4 का बारी, 4 के बाद 5 डिजिट है, बट 4 लाख नहीं लिखना है, 4, इसीलिए क्या लिखेंगे, 432 के बाद 3 डिजिट है, तो इसलिए 1,000 लिखेंगे, 32,000। उसके बाद देखिए 104, ओके देखिए, अब देखिए 4 के बाद कोमा दिया है, इसलिए 4 के बाद हम लोग जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, बिलियन। उसके बाद देखिए 35 के बाद कोमा है, 35 के बाद क्या जोड़ दिए, मिलियन। उसके बाद देखिए 432, 400, 400, 100 इसलिए जोड़े क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। अब देखिए 32 के बाद कोमा है, क्या जोड़ दिया यहाँ पे, 1,000। उसके बाद देखिए 100 जो है, 100, 104 ये लास्ट में है, इसीलिए ऐसे लिखते हैं। 3 नंबर में देखिए 64,000,155,030, 64 के बाद 9 डिजिट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बिलियन, 64 बिलियन। उसके बाद 000, 000 का तो कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद 155 है, 100 हो जाएगा, 100, 56, सॉरी 55, 55 के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 55,000। उसके बाद 30 है, तो 30 हो गया, ओके। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, 4 नंबर देखिए, 121,046,224,040, आगे 1 है, 1 के बाद 21, उसके बाद कोमा है, तो 1 है आगे, तो क्या लिखेंगे, 100,
उसके बाद 21 के आगे में 9 डिजिट है, तो इसीलिए 21 बिलियन। उसके बाद 0 है, 0 का तो कुछ नहीं लिखेंगे। 4 6 है, 4 6 के बाद 6 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, 46 मिलियन हो गया। उसके बाद 224, 224, 24 के बाद 3 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे, 1000। उसके बाद 40 है, 40। 5 नंबर में देखिए, 452 कोमा 423 कोमा 325 कोमा 212, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 4 होगा, ओके 4 होगा यहाँ पे, 4, 452 बिलियन। उसके बाद 423 मिलियन, 23 के बाद 6 डिजिट है। उसके बाद क्या, 325,000, 25 के बाद 3 डिजिट है। उसके बाद 121 है, ओके। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, 212, 332, 257, 130, 212 के बाद कोमा है, 332 के बाद कोमा है, 257 के बाद कोमा है, ओके। आगे में 2 है, 200 हो जाएगा। उसके बाद 12 है, 12 के बाद 9 डिजिट है, इसलिए 12 बिलियन हो गया। उसके बाद 332 के बाद 6 डिजिट है, इसलिए 32 मिलियन हो गया। उसके बाद 257, 57 के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 1000 हो गया। उसके बाद 130, ओके बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।